सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लखनऊ के बाजारों में होली का रंग चढ़ने लगा है, हर जगह रंग बिरंगे रंगों की छटा बिखरने लगी है और घर घर में मिठाइयां और तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। लोग खाने के इतने शौकीन हो चुके हैं जिसके चलते अब तमाम तरह की गुजिया मार्केट में आ चुकी है। जहां लोगों की पसंद और सेहत को ध्यान रखते हुए गुजिया बनाई जा रही है, इसी पर प्राइम टीवी की टीम पहुंचकर लखनऊ की एक मिठाई शॉप पर, जहां तकरीबन 18 से 20 तरह की गुजिया तैयार की गई है और इन गुजियों में क्या है खास, आइए सीधे जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली आ चुकी है और होली के चलते सभी बाजार सज चुके हैं गुजिया से और रंगों से और पिचकारी से और सभी तमाम चीज़ों से बाजार सज चुके हैं। इस वक्त हम लखनऊ की बहुत ही फेमस एक मिठाई शॉप पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पे गुजिया की बहुत वेराइटी यहाँ पर मौजूद है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारी पैकिंग्स भी लग चुकी हैं, क्योंकि लोग आज की डेट में सभी अपने चाहने वालों को गिफ्ट देना चाहते हैं और उस तरीके से गिफ्ट देते हैं। अलग अलग गिफ्ट रैपिंग आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत गिफ्ट रैपिंग यहाँ पर की हुई है। यहाँ पे उस गिफ्ट रैपिंग में सिर्फ गुजिया ही नहीं और नमकीन के आइटम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आइटम्स रखे गए हैं और ये मैं बॉक्स आपको दिखाना चाहूँगी कि इस बॉक्स में देखिए कितनी वेराइटी की गुजिया यहाँ पर रखी हुई है और इसमें मेवा वगैरह भी दी गई है और ये कितना प्यारा खूबसूरत सा एक गिफ्ट है पर आप देख रहे हैं। इसमें क्या क्या खास, बहुत खास चीज़ें इसमें सजाई हुई हैं और गिफ्ट और गुजिया की क्या क्या वैरायटीज आ चुकी हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा फूडी हो चुके हैं, इतना खाना उनको पसंद आने लगा है, तो बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस भी हो चुके हैं और इस डाइट कॉन्शियस के चलते यहाँ पर हमारे साथ में एक पर्सन मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरीके की गुजिया लोग पसंद कर रहे हैं और इनकी शॉप पर यहाँ पर कितनी वैरायटी की गुजिया अवेलेबल हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के पर्सन से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष, ये बताइए कि लोग अब कई गुजिया, कई वैरायटीज की गुजिया पसंद कर रहे हैं, तो कितनी वैरायटीज की गुजिया आप लेके आए हैं? मैम, इस बार हमारे पास 18 से 20 तरह की गुजिया है, अलग अलग तरीकों की चीज़ें बनाई गई हैं। इस बार हम लोगों ने स्पेशल बेक गुजिया बनाया है जिसमें तीन ऑप्शन हैं, एक शाही बेक्ड है, एक बेक्ड है और एक मैम उसमें वेफर क्रस्ट गुजिया है। बेक गुजिया इसमें मार्केट में अच्छा खासा धमाल मचाए हुए हैं। अच्छा, बेक गुजिया की क्या ऐसी क्या खासियत है, क्या वो शुगर फ्री है या कुछ और खासियत है जिसकी वजह से बेक गुजिया ज़्यादा पसंद की जाए? मैम देखिए, लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, फ्राइड आइटम लोग अवॉइड करते हैं, तो हम लोगों ने अपने बेकरी सेक्शन को डेवलप किया। बेकरी सेक्शन में हमने बेक गुजिया को प्लान किया। इसमें मैम क्या होता है, मेवे के अंदर स्टफिंग होती है, कोकोनट की स्टफिंग होती है और उसमें मैम शुगर सिरप का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो बिल्कुल भी आप मान के चलिए एकदम शुगर फ्री है और नेचुरल शुगर जो उसमें एडेड होता है बस वही होता है, तो बहुत ही बढ़िया इसमें मार्केट में चल रही हो। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, जैसे हम हमेशा, क्योंकि आपके यहाँ की गुजिया हमेशा फेमस रही है और कई वैरायटीज़ की रही है, एक आपके हर बार एक गोल्ड की गुजिया बड़ी फेमस रहती थी, क्या इस बार भी आपने गोल्ड की गुजिया बनाई है और क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं? जी मैम, गोल्ड गुजिया भी हम लोगों ने बनाई है और इस बार भी गोल्ड गुजिया की ठीक ठाक डिमांड रही, चूँकि आप भी देख रही हैं नई सरकार बनी, नई चीज़ें हुई, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल गलियारे में गोल्ड गुजिया का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और हमने उसको बना रखा है और उसकी ठीक ठाक डिमांड भी है मैम। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा गुजियों के बारे में बताइए कि कितनी तरह की गुजियाँ हैं और क्या क्या खास है इन गुजियों में, मैं गुजिया थोड़ा जानना चाहूँगी कि किस किस तरीके की गुजियाँ हैं। मैम आप देख सकती हैं, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट का अलग सेक्शन लगा रखा है, इसमें आपके पास अंजीर गुजिया है, आपके पास डेट्स गुजिया है, आपके पास पिस्ता बादाम गुजिया है, आपके पास काजू गुजिया है। इसके अलावा जो हम लोग रेगुलर गुजिया की बात करें तो इसमें मेवा गुजिया है, बेबी गुजिया है, केसरिया गुजिया है, बाकी बेक गुजिया में 3-4 ऑप्शन हैं अपने पास। इसके अलावा चॉकलेट की भी गुजिया है, चॉकलेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक रेगुलर चॉकलेट और एक मैम जो हम लोग कैपेचिनो चॉकलेट यूज़ करते हैं उससे भी गुजिया बनाई गई है। अच्छा, इन गुजियों की अगर रेंज की बात करते हैं तो किस रेंज से इन गुजियों की स्टार्टिंग हो रही है और कौन सी रेंज ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? मैम 840 से स्टार्टिंग है जो रेगुलर गुजिया है, केसरिया और जो रेगुलर गुजिया है, उसके अलावा जो हमारे पास हायर रेंज में रेगुलर मतलब नॉर्मल गुजिया में वो 2300 रुपये है, वेफर क्रस्ट गुजिया, बकलावा जो टर्की स्वीट होती है। इसके अलावा मैम जो स्वर्ण भस्म वाली गुजिया है, जो गोल्डन गुजिया इसको बोलते हैं, वो मैम 12,000 रुपये की है, 5 पीस का बॉक्स है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी है गुलाब। और आपने कई ऐसे पैकिंग्स वगैरह भी कुछ लोगों की पसंद आ रहे हैं, तो उस तरीके से कुछ बॉक्सेस वगैरह भी आपने शायद क्रिएट किए हैं, तो किस तरीके के बॉक्सेस आपने डिज़ाइन किए और उनकी क्या रेंज है उन बॉक्सेस की? मैम लगभग मान के चलिए हम लोगों ने 100 तरीके के हैम्पर्स को प्रिपेयर किया है, उसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ गुजिया का ऑप्शन दिया गया है, उसमें गुलाल कलर
उसके अलावा उसमें मैम पिचकारी वगैरह के साथ हम लोगों ने अच्छे अच्छे हैम्पर्स डिजाइन किए हैं। उसकी रेंज स्टार्टिंग मैम लगभग 3000 रुपये से है और अपने पास लगभग 23-24 हज़ार रुपये तक के हैम्पर्स बने हुए हैं। तो बाकी और ये है कि जैसे आपने बताया बेक गुजिया की, तो डिमांड जो हम अगर डिमांड पे बात करते हैं तो किसकी डिमांड ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, कौन सी डिमांड ज़्यादा बनी हुई है? मैम रेगुलर और बेक गुजिया तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है सुबह से ही, हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से प्रोडक्शन करने के लिए। तो बेक गुजिया और रेगुलर गुजिया डिमांड में है, बाकी वेफर क्रस्ट और चॉकलेट गुजिया ये सब भी ठीक ठाक चल रही है। तो ये यहाँ स्वीट हाउस से, यहाँ पर हमारे जो मिठाई शॉप से हमारे साथ एक पर्सन मौजूद है जिन्होंने कई गुजियों की वैरायटीज हमें बताई है। अब हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानना चाहेंगे कि वो किन सी गुजिया ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की गुजिया उनको ज़्यादा पसंद आ रही है, वो रेट वाइज गुजिया देख रहे हैं या टेस्ट वाइज देख रहे हैं या क्या चीज़ उनको खासा पसंद आ रही है। हेलो मैम, क्या नाम है? साविया नाम है मेरा। मैम यहाँ पे आज हम मिठाई शॉप पे हैं और जान ही रहे हैं कि होलिया के त्यौहार पे बिना गुजिया के नहीं चलता, तो यहाँ पे इतनी वैरायटी की गुजिया, आप कौन सी गुजिया ज़्यादा पसंद कर रही हैं? मैं तो कंफ्यूज हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सारे टेस्ट कराए और सब एक से बढ़कर एक हैं जी। और मेरी फेवरेट शॉप है, मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ स्वीट्स की। गुजिया तो स्पेशली मुझे यहाँ पर जो मैंने भी खाई हुई है केसर की, केसर में मुझे बहुत पसंद आई है तो मैंने पैक भी करवाई 11 kg। ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा मुद्दा तो नहीं कि सारी टेस्ट इसलिए कराई ताकि आप सारी लें? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस करने बैठे तो मुझे टेस्ट कराएंगे सारी ताकि मैं सारी लूँ, बट मुझे स्पेसिफिक वही चाहिए थी तो मैंने बोली केसरिया। क्या खास लगा केसरिया गुजिया में? उसमें जो केसर का फ्लेवर और जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा ना वो अलग से, मतलब सब पता चल रहा है कि ये ड्राई फ्रूट्स का है, ये केसर है, तो सारे फ्लेवर मुझे पता चल रहे थे इसलिए मैंने लिया हुआ। तो भाई यहाँ पे जो एक कस्टमर कुछ जो भी मौजूद है उन लोग को, उनको कई सभी गुजिया ऑलमोस्ट पसंद आ रही है लेकिन केसरिया गुजिया उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी पसंद है कि केसरिया गुजिया यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कौन सी गुजिया पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, आप यहाँ गुजिया लेने आए हैं? ऐसी बात है कि गुजिया लेने आए होंगे। यहाँ पे इतनी वैरायटी की, कम से कम 18-20 तरीके की गुजिया यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कौन सी गुजिया आपको ज़्यादा पसंद आ रही है? काजू गुजिया सबसे अच्छी लगती जी? काजू गुजिया। काजू गुजिया, तो काजू गुजिया में ऐसा क्या खास है? उसमें सिर्फ काजू टेस्ट सबसे अच्छा उसी का रहता है, टेस्ट अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे अभी बेक्ड गुजिया की भी बात हो रही थी, तो बेक्ड गुजिया आप ट्राई नहीं किया? अभी ट्राई करूँगा। तो ये यहाँ पर आदित्य काजू गुजिया लेने के लिए आए क्योंकि उनकी खासा पसंद रही है काजू गुजिया। अब और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कौन सी गुजिया ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि गुजिया की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब कौन सी गुजिया और ख़ास लोगों की पसंद है। यहाँ पे एक अंकल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अंकल जी, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कितने बहुत वैरायटी की गुजिया यहाँ पे दिखाई गई है और कौन सी गुजिया आपको खासा पसंद आ रही है? मुझे तो सबसे अच्छी वेफर क्रस्ट गुजिया लगती है जी। वेफर क्रस्ट गुजिया, वेफर क्रस्ट, इसमें क्या खास है? क्योंकि मैं ये जो है क्या नाम है, हमने जो खाई उसी हिसाब से ये लगता है कि मतलब एक तो शायद मैं, हम लोग डायबिटिक हैं, मैं कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं देती। अच्छा, तो डायबिटिक हैं तो उन डायबिटिक पर्सन के लिए वेफर गुजिया बनाई? हाँ जी, वेफर क्रस्ट डायबिटिक पर्सन के लिए बनी तो है, मगर वो शायद में है, इसमें शुगर नहीं है तो इसलिए आराम से खा सकते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो इनकी पसंद निकली है वेफर गुजिया। अभी हमें यहाँ पर केसर गुजिया के बारे में पता चला, काजू गुजिया के बारे में पता चला, अब इन्होंने वेफर गुजिया के बारे में बताया, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटिक पर्सन है। अब और भी कुछ एक आध लोग और देखते हैं कि क्या पसंद आ रहा है उनका, और आइए ढूंढते हैं लोगों को और क्या उनकी खास पसंद आ रही है, तो उसी पसंद को देखते हुए उन लोगों से बात करते हैं, तो और बताते हैं कि क्या पसंद है लोगों की। आपको गुजिया लेने आए? यस मैम, गुजिया लेने आए। अच्छा, तो आप क्या पसंद कर रहे हैं यहाँ पे? आप बेसिकली गुजिया लेने के लिए आए हैं या मतलब आप गिफ्ट देने के लिए आपने लिया? गुजिया प्लस गिफ्ट दोनों ही है। गुजिया एंड गिफ्ट दोनों ले रहे हैं, तो आप क्या देख के, आप गुजिया का टेस्ट देख के ले रहे हैं या फिर रेट वाइज लेते हैं, क्या चीज़ सोच के आप लेते हैं? टेस्ट देख के देते हैं, बाकी उसकी कॉस्ट कुछ भी हो वो चलेगा। और आप कितने टाइम से यहाँ से गुजिया लेते आ रहे हैं? मैं 4-5 साल से तो ले रहा हूँ। 4-5 साल से ले रहे हैं। अच्छा, आज आप ये अभी ले रहे हैं, तो ये
तो ये क्या मतलब इसमें क्या चीज़ है? अच्छा आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में क्या? ड्राई फ्रूट्स है, गुजिया है, ड्राई फ्रूट्स है मैम, ये भी जुमा है बस। अच्छा, तो इसकी कॉस्ट क्या है? मैम इसकी कॉस्ट 3500। अच्छा आप ये बताइए, चलेगा आपको 3500 का ये जो आइटम देना है, कैसा लग रहा है आप? गिफ्ट के लिए तो बेटर है, गिफ्ट देने के लिए बेटर है। गिफ्ट देने के लिए बेटर है। अच्छा, कितना करा दो सर? आपको इसकी कॉस्ट भी ठीक है एंड जो भी आइटम्स मिल रही है वो सही है। भाई यहाँ पर सभी लोग गुजिया, गिफ्ट, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम यहाँ पे इतना रश आपको देखने के लिए मिल रहा है, इतना रश यहाँ पे बना हुआ है लोगों के बीच में कि लोग अपनी पसंद की गुजिया तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने चाहने वालों को, अपने करीबियों को गिफ्ट देने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं और गिफ्ट ले रहे हैं। यहाँ पे गिफ्ट की कई वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी यहाँ पर शोकेज सजे हुए हैं, सब कॉस्ट वाइज यहाँ पे सजे हुए हैं, यहाँ पर हर तरीके से अवेलेबल हैं, सारे कॉस्ट यहाँ अवेलेबल हैं और इस तरीके से गुजिया की जा रही है। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे गुजिया में ये एक ट्रे बनाई गई है, उसमें नमकीन भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे जो ट्रे बनाई गई है बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन की गई है और इसमें साथ में पिचकारी एंड कलर्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि लोग अगर गिफ्ट हैम्पर दे रहे तो उनके पास कलर और पिचकारी भी होली के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और क्योंकि लोग फूडी भी होते जा रहे हैं, क्रिएटिव भी होते जा रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों का संगम यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सब सजाया हुआ है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। प्रदेश में इस बार होली का बाजार पूरी तरह से पॉलिटिकल रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि इस बार बाजार में पीएम मोदी और योगी की पिचकारी और रंग गुलाल बखूबी ढंग से पसंद किए जा रहे हैं। अगर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में बाजार में होली की रौनक छाई हुई है। होली का सामान बेचने वाले दुकानदार भी इस बार बेहद उत्साहित और खुश हैं। दुकानों में बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक मोदी योगी की पिचकारी और रंग और गुलाल खरीदते नजर आ रहे हैं। मैं तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज भी इनका है और बच्चे भी छोटे बच्चे हैं मेरे। पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है। और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के लिए इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। और मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से इनको इस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं या मेरे अगल बगल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं। खास वजह यही है कि बच्चे सभी जानते हैं, वो राजनीति के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन वो केवल दो ही चेहरे हैं, मोदी जी और योगी जी, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो समझते हैं। और योगी जी को तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से बोलने लग गए, जैसे टीवी पे आते हैं बच्चे कहते हैं बुलडोजर बाबा आ गए हैं। योगी मोदी क्या चल रही है, वही भारी डिमांड में भी वही है इस समय, क्योंकि सबका ये कहना भैया योगी मोदी पिचकारियाँ, ये सारे लोगों बच्चों को चार पीस मेरे पे रह गई है, भारी डिमांड में यही चल रही है इस समय। क्या कहते हैं लोग आ रहे हैं जब? लोग कहते हैं भैया आते ही कहते हैं पहले योगी मोदी की पिचकारी है, जब हम मना करते हैं तब दूसरी पिचकारी ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिमांड में यही है। और कितने रुपये तक अवेलेबल है हमारे पे? तो अभी मिनिमम 20 रुपए से लेके 60 रुपए तक का अवेलेबल है। कौन सी पिचकारी आप ले रहे हैं? मैं तो योगी मोदी के लिए आया हूँ। अच्छा, क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वही चल रहे हैं योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं थी क्या, या नहीं ले रहे हैं क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है। क्यों? आदमी बेकार है, आदमी सही नहीं है। हाँ, तो देखो योगी मोदी की पिचकारी आ गई है, उसे पता लग रहा है, और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं। एक बार दिखा दो। हेलो, ये तो कहते हैं जैसे रंग पे रंग चढ़ गया, वो इसी हाल ये भी हुआ। 2 साल से कोरोना काल में हमने होली नहीं खेली, तो बड़े उत्सव से होली खेल रहे हैं। और दूसरा, जो 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से हमारी बीजेपी का भगवा लहराया है, तो दोनों को होली का रंग ऐसा चढ़ेगा जैसे 10 तारीख को फाग हुआ और 18 तारीख को रंग होगा, इसी तरीके से बहुत धूमधाम से होली मनाई जाएगी। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
होली का खुमार हर किसी पर चढ़ चुका है। सभी होली की तैयारियां कर रहे हैं और इस बार बाजारों में मोदी और योगी की पिचकारी और रंग गुलाल भी लोग खरीदते नजर आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।